विधानसभा चुनाव के लिए दोनों बड़े दलों भाजपा और कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दोनों दलों ने अपने संकल्प पत्र में कई लोक लुभावने वादे किए हैं। भाजपा इसे केवल वादे नहीं बल्कि प्रदेश के विकास के लिए अपने इरादे बता रही है। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि बीजेपी के दृश्य पत्र ऐतिहासिक है। महिलाओं के लिए अलग दृश्य पत्र लाया गया है जो महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। इस दृष्टि पत्र को ऐतिहासिक माना जा रहा है, स्पष्ट रूप से, क्योंकि महिलाओं के लिए एक सर्वांगीण सोच के साथ, दृष्टि पत्र अपने आप ही सर्वांगीण सोच के साथ बना है, लेकिन महिलाओं के लिए एक अलग दृष्टि पत्र जो आया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। और ये एक अच्छा लक्ष्य है कि हर समय ऐसा अलग अलग रूप से करें और इनके लिए भी फोकस रहे। जो भाजपा ने अपने दृष्टि पत्र में विषय रखे हैं, चाहे राज्य के लिए चाहे महिलाओं के लिए, हमारे लिए ये एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये हमारा संकल्प है, हमारा एजेंडा फॉर गवर्नेंस है। ये वादे नहीं, ये हमारे इरादे हैं, क्योंकि भाजपा सुलझाने में जो दृष्टि पत्र बनाती है फीडबैक के आधार पे, ये ऐसे नहीं है कि ये कमरे में बैठ के चार पांच लोगों ने लिखा। जो फीडबैक मिला उस पर चर्चा हुई, शोध हुआ, रिसर्च हुआ, आंकड़ों को देखा कि इसको हम पूरा कैसे करेंगे ताकि ये खाली वादे ना हो, ये अपने ये इरादे पूरे हो, ग्राउंड पे हो। उस मानसिकता और सोच के साथ ये दृष्टि पत्र बना है। इट्स एन एजेंडा फॉर गवर्नेंस। राज्य के लिए भी जैसे हमारे दृष्टि पत्र में हमने कहा था, चाहे वो किसानों के लिए एडिशनल 3,000 रुपए की बात हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें जो देश में एक पुकार है और बढ़ती जा रही है, उस पर काम हो, चाहे हमने सेब और एप्पल ग्रोअर्स के लिए बात की कि GST का रिफंड हो, जो एक यहां मांग उठ रही थी, चाहे हम बात करें कि सड़कें तो हमने 5 साल में 6,000 किलोमीटर बनाए, लेकिन इस 5 साल में एक गांव भी बिना पक्का सड़क के ना रहे। मेडिकल कॉलेजेस को बढ़ाएं, स्वास्थ्य सेवाओं को इंप्रूव करें ताकि मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हो। तो ये सब सोचते हुए इसी बात को हम शेष करते हैं इस मिशन के साथ कि हमारा जो संकल्प पत्र है वो एक एजेंडा फॉर गवर्नेंस है। ये खाली वादे नहीं, ये हमारे इरादे हैं गवर्नेंस के। और ये जितने हमारे यहां पर हमने पॉइंट्स लिखे, इस पे शोध के आधार पे फंड्स कैसे लाए जाएंगे, उसको मन में रख के एजेंडा पूरा हो ताकि अगले 5 साल में जब डबल इंजन की सरकार और काम करे, हिमाचल प्रदेश को अगले स्तर पर ले जाए, तो हम